फिर वो 51वां कुंडिनीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ को 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2016 तक आयोजित किया जाएगा और ICF ग्राउंड में इसे आयोजित करने की खबर है। इस महायज्ञ में वेद मंत्रों के माध्यम से पुण्य आत्माओं तथा समस्त प्राणियों के कल्याण विश्व शांति हेतु यज्ञ अनुष्ठान किया जाएगा। ये महायज्ञ के अवतरण युवा शक्ति की सृजनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड के तत्वधान में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांडे जी के मार्गदर्शन और वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के संरक्षण में किया जा रहा है। हजारों संख्या में लोग इसमें कुंजीय गायत्री महायज्ञ में हिस्सा लेने के लिए भी पहुँच रहे हैं। हम जिस देश में रहते हैं इसकी एक संस्कृति है जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। इस भारतीय संस्कृति में इसके दो माता पिता हमारे वेद में बताए गए हैं। एक यज्ञ को पिता कहा गया और गायत्री को माता कहा गया, और इस यज्ञ पिता और गायत्री माता से ही हमारी पूरी संस्कृति, सारे देवी देवता सबका जन्म मानते हैं। तो भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री और यज्ञ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया अपने जीवन 24 महापुरुष कर बड़े बड़े अनुष्ठान कर, और उन्होंने गायत्री जो देवी है या गायत्री मंत्र जो है उसको जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। धैर्य है, साहस है, करुणा है, दया है, सहयोग है, सहकार है। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के भाव अर्थ